तो बिहार के सोनपुर में इन दिनों पशु मेला चल रहा है। मेले में बिहार की शान बना टाइगर नाम का घोड़ा, और ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं है बल्कि घुंघरुओं की झनकार पर टाइगर ऐसा डांस दिखाता है देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यूपी के कारोबारी ने इसे 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। बिहार टाइगर अब यूपी टाइगर बन गया है। रिपोर्ट देखते हैं। ये कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, बिहार का टाइगर है। टाइगर के घुंघरू की झनकार से बड़े बड़ों के दिल छलनी हो जाते हैं। टाइगर का जुनून जब घुंघरुओं के साथ जुगलबंदी करता है तो चाहकर भी कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। टाइगर यूं ही बिहार के सोनपुर मेले की शान नहीं है, डांस में, दौड़ में, हर करतब में टाइगर बेताज बादशाह है। ये खासियत है कि बहुत सुंदर है घोड़ा, बहुत स्मार्ट है घोड़ा, और इस घोड़े के और इस नस्ल के इस गांव के मतलब कहीं इस घोड़े में बहुत बढ़िया नाचता है, बहुत बढ़िया डांस करता है। दरअसल इन दिनों बिहार के सोनपुर में पशु मेला चल रहा है। ये मेला पशु पक्षियों की हजारों प्रजातियों के लिए जाना जाता है। मेले में लगे घोड़ा बाजार में इस बार खासी रौनक है। बाजार में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों से घोड़े पहुंचे हैं, लेकिन मेले में सबसे ज्यादा धूम बिहार के टाइगर ने मचाई। टाइगर के बेजोड़ हुनर का नतीजा है कि यूपी के एक कारोबारी ने उसे 2.5 लाख रुपए में खरीदा है। घोड़ों के पीछे से सबसे सुंदर बढ़िया जो ताकत है और किसी घोड़े में नहीं है, तो इसलिए हम अपने यहाँ ले जाके महाराष्ट्र में चला जाए, वहाँ से ज्यादा दाम मिलेगा। हम अपने नाम से रखेंगे यूपी टाइगर। टाइगर के घुंघरुओं को ही झनकार थी जिसके दम पर वो 2.5 लाख में बिका। टाइगर का खरीदार बेहद खुश है, खुशी इस बात की कि टाइगर बेमिसाल है, बेजोड़ है। विकास आनंद, इंडिया 24/7, हाजीपुर। तो गन्ना बैल के नाम से मशहूर मुरादाबाद और उसके आसपास के जिलों में इन दिनों किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर फूलों की खेती को तरजीह दे रहे हैं। गन्ना, गेहूं और धान की खेती के साथ ही फूलों की खेती में किसानों की रुचि बढ़ती जा रही है। गन्ने के भुगतान को लेकर सरकार की नकारात्मक नीति ने भी किसानों को फूलों की खेती की ओर आकर्षित किया है। फूलों का बाजार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बड़े शहरों में फूलों की बढ़ती मांग ने छोटे किसानों के चेहरे पर रौनक लाती है। नए जमाने में नई खेती ने किसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि परंपरागत खेती के सहारे वो आगे नहीं बढ़ सकते। अब तक गन्ने की खेती पर निर्भर रहने वाले पश्चिमी यूपी के किसानों को फूलों का बाजार रास आ रहा है। पहले हम गन्ने किसान थे। गन्ने का रेट पिछले साल सरकार में 280 रुपए था, 240 हमें भुगतान कर दिया गया, 40 रुपए बाद में देने के बाद कह गए, लेकिन हमारा आज तक पूरा पहला पुराना भुगतान भी नहीं हो पाता। और गन्ने को हम तैयार करने में 300 रुपए क्विंटल लागत आती है, हमें मिलते 280 रुपए, 20 रुपए हम घाटे में जाते हैं। और फूलों की खेती में हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, और फूलों की खेती से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और ताज़ी अर्निंग होती है, हमारा पैसा डूबता नहीं है। गन्ना का ना करने का एक तो हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बंदर बहुत जोर कर रहा है। बंदर जो है गन्ने को खा जाता है, विवाद बिगाड़ देता है, और ये है कि गन्ने खाने ये सरकार हमें पैसा नहीं मिलता। आज पुराना गन्ना डाल चुके हैं, पैसा नहीं आता है उसका अभी, तो ये है कि फिर अब ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ और उद्योग के बारे में आना चाहिए। तो फूलों की खेती ऐसी है कि इसमें कोई भी वैसा नुकसान नहीं है, तो इससे थोड़ा ताजी आमदनी होती है, ले गए बाजार और अपने पैसा ले आए।